यही है पापा, आई मीन सर। हाँ, तुम क्या बात कर रहे थे? अगर जे नहीं खाना तो गाली खा लो हमारी, मतलब सुबह से जो भूख हड़ताल मचा रखी। तू क्यों शोर मचा रहे यार, जब नहीं है मन खाने का तो नहीं है ना यार। ऐसा करने से अंकल मैं तुमको वापस क्लास में जाने देंगे क्या? तो क्या खाने से जाने देंगे? अबे ओ, ऐसे देवदास बनने से ना कुछ नहीं होना, और वैसे भी जिसके लिए तुम व्रत रख रही हो ना, वो खुद हजम करके आराम से नींद निपटा रही होगी अपनी। सच कह रही हूँ। मुझे पता है ना मेरी सुमो का, उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा यार। अच्छा, तो ऐसे अकेले भूखे मरने से अच्छा जेलो प्लेट ले जाओ खाना, और दोनों एक साथ ठूस लो दबा के थोड़ा थोड़ा। हम जा रही है सोने, ठीक है ना? नहीं। हाँ हाँ चाची, मैं ठीक हूँ। तो फिर तू सुबह से कुछ खा पी क्यों नहीं रही है बेटा? मन्नी सच्ची, आप प्लीज अपना ध्यान रखो, जाके रेस्ट करो। चल ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। मतलब बहुत अच्छा किया। पर वो एक्चुअली क्या है ना, आज हम दोनों का एक साथ पहला मूनलाइट डिनर है। भूख तो लगी होगी ना? तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है ना? वैसे बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, रात को कुछ ज्यादा ही हैंडसम लगता हूँ, है ना? ये सोच रही हो ना? तुम्हें पता है, आज तक मैं ऐसे इंसान से नहीं मिली जो अपना खुद का इतना बड़ा फैन हो। अब मैं दुनिया में सबसे अलग जो ठहरा। अच्छा तो अब खाना खाए, सुबह से जो भूख गायब थी ना, तुमसे मिलते वापस आ गई। क्या लाए हो? मैं दाल, बड़ा पनीर एंड रोटी। तुम हर रोज अपने खाने में इतना मक्खन डाल के खाते हो? हाँ, अब मक्खन ते घी तब पंजाबियों के खाने की शान होती है ना, उसी से मिलती है असली ताकत। बाप रे, हमारे घर में तो किसी को भी हजम ना हो। फिर तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आगे चल के? नहीं, मेरा मतलब बाद में जब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपनी पूरी लाइफ क्या मिस किया है। ये तो वाकई बहुत टेस्टी है। तुम आज क्लास में भी नहीं आ पाए ना? मुझे तो लगा था कि सिर्फ मेरे पापा ही इतने। मेरे पापा भी आज तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा थे यार। उन्होंने मुझे ये तक कह दिया कि आज के बाद यहां तुम्हारे घर कभी ना हो। पर हमने तो दोनों पापाओं को मिलवा दिया था ना श्रवण, तो सारी चीजें फिर से खराब क्यों हो रही है? पता नहीं यार,
मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बताओ ना क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, इस बार बात बहुत सीरियस लग रही है श्रवण। हमारा बीच में बोलना या कुछ भी करना चीजें और बिगाड़ सकता है। तुमने ही कहा था ना कि हर रिश्ते के लिए टाइम उसके जरूरी होता है, तो बस फिर मुझे भी हमारे पापाओं पर पूरा भरोसा है, वो ये मैटर हैंडल कर लेंगे। तुम ना ज्यादा चिंता मत करो। और हम एक होकर भी मैं तुम्हें मिल नहीं पाऊंगी श्रवण, तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। बात करने के लिए फोन जिंदाबाद, एक दूसरे को देखने के लिए वीडियो कॉल जिंदाबाद, और अगर कभी मिलना हुआ ना तो घर के बाहर मिलेंगे ना। वैसे एक और रास्ता भी है मेरे पास। क्या? पहले तुम खाना खाओ फिर बताऊं। दवाई क्यों? वो सर दुख रहा था। अरे यार तुम ये दवाइयां शवाइयां छोड़ो और एक काम करो, अपना सर मेरे कंधे पे रखो और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो, फिर देखो तुम्हारा ये जो दर्द है ना कैसे छुमंतर हो जाता। इतना प्यारा, इतना मासूम कोई कैसे हो सकता है? श्रवण बताओ ना कैसे मिलेंगे हम कल से? ओके, हमारे घर के बीच में जो बाउंड्री है ना, कल दोपहर को एग्जैक्ट 2 बजे हम वहीं मिलेंगे। और फिर? और फिर क्या, हमारे घर के बीच की दीवार मैं तोड़ दूंगा। सच्ची बताओ ना। अरे सच्ची बाबा, और क्या, ये घी मक्खन और डोलेशन कब काम आएंगे? मैं तो पता क्या कहता हूँ, तुम भी शुरू कर दो, ताकत मिले। अच्छा तो मतलब कि मैं पतली हूँ तो मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ? हाँ नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब कि नहीं, मेरा मतलब था कि तुम थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाओगी। नहीं मैं तो वो बस ना मैं बार... दादू श्रवण तुम प्लीज जाओ यहाँ से, नो किसी ने हमें देख लिया तो। अच्छा चल दोपहर को 2 बजे बाउंड्री के पास। हाँ अब तुम जाओ। रुको, तुम जाओगे कैसे? मैं कुछ जुगाड़ करता ना, तुम जाओ प्लीज। पक्का ना? वरना अरे वना... हाँ पक्के वाला पक्का, तुम जाओ। सॉरी दादू, वो आज मैं वॉक पे नहीं जा पाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे क्यों, क्या बुखार है? तुम जाओ जाके थोड़ी देर सो जाओ। ओए ठीक से बता क्यों नहीं रहा, कहाँ है श्रवण इतनी सुबह सुबह? अरे चाचू मियाँ हमने कहा ना दौड़ने ही है, अभी आता। देखो आ गया। हाँ। इतनी सुबह कहाँ जा रहे चाचू? ओए वो गाड़ी लेने जाना है और फिर उसके बाद कोर्ट भी जाना है। तू एक काम कर, तू अंदर जा, तुझे भाई साहब ढूंढ रहे हैं जब से। ये तुम क्या कर रहे हो श्रवण, दीवार क्यों खराब कर रहे हो? मेरी प्यारी सुनो, दीवार नहीं खराब कर रहा मैं, बल्कि यहां हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्लास में जो सिखाया जाए तुम मुझे सिखा सकती हो, और हम एक दूसरे के लिए नोट्स भी छोड़ सकते हैं, और जैसे काम खत्म ढक्कन बंद। ये है हमारा सीक्रेट कॉर्नर, मैंने तक नाम भी सोच लिया, सू वन कॉर्नर।
सुमन प्लस श्रावण सुवन। कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि अब हम एक हो गए। मैं बहुत बहुत खुश हूँ श्रावण, और अब हमारे नाम भी। और सोचो ना, जहाँ हम दोनों के घर मिलते हैं वहाँ एक कॉर्नर हमारा भी है जिसका किसी को नहीं पता। लेकिन अगर हमें किसी ने ऐसे देख लिया तो? उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। टान टाना, ये लो, ये एक तुम अपनी तरफ टांग दो और एक मैं अपनी तरफ लगा देता हूँ। परफेक्ट। आज से हम रोज इनमें पानी देंगे, जिससे पौधे तो बढ़ेंगे और किसी को डाउट भी नहीं होगा। वाह श्रवण, अगर इतना ही दिमाग तुम पढ़ाई में लगा लो ना तो कहां से कहां निकल जाओ। तुम मिल गई हो ना, अब कहीं और निकलने की जरूरत है क्या? वैसे मैंने मुझे सुबह बोला उसके लिए शायद कोई बाहर आ रहा है। एक सेकंड, वेरी गुड, देखा ये सही टेक्निक। हाँ शाबाश, सिट डाउन। थैंक यू सर। दो दिन से नहीं आए, सीट रखने का क्या मतलब? तुम्हें क्या और कोई बैठने के लिए जगह नहीं है क्या? मेरी सुमो, देखा तुम, मैं क्लास में गया फिर भी मेरी सीट बचा के रखी है। श्रवण देख के ही सीख लेगा या यहाँ के आजमाएगा भी? श्रवण तुम कल भी छुट्टी पे थे, आज भी क्लास में नहीं आए, चलो क्लास ज्वाइन करो। क्या कहते? देखो मियाँ, फिलहाल तो अभी घर पर कोई नहीं है, तो एक काम करो, फट से यूं आ जाओ और खट से काम निपटा कर यहाँ आ जाओ, यहाँ काम सब देख लेंगे। कमाल है सुमन, तूने तो एक ही बार में कर लिया। वेरी गुड सुमन, सिट डाउन। हाय श्रवण, आओ, फिजिकल ट्रेनिंग क्लास चल रही है, ज्वाइन करो, बैठो। अच्छा हुआ आज घर पे दादू नहीं है। सुमन गो देयर। श्रवण ट्राई करो। और मिस्टर ब्रो, दिखाओ अपना टैलेंट, क्या हुआ? दो दिलों के प्यार की है ये दास्ता, है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, नीलों की थी दूरिया जो दरमिया। फाइनली मुझे लगता है आज के बाद दोबारा गलती नहीं करोगे। पर इतनी देर लगा दी श्रवण यार, मुझे तो लगा था बड़ा स्मार्ट है तू। हाँ देर तो लगाई श्रवण ने, लेकिन इसमें सीखने वाली बात यह है कि उसने हार नहीं मानी और ये जीत की तरफ पहला कदम है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, तो कल मिलते हैं आपसे। जय हिंद। जय हिंद सर। सी यू टुमारो। एक्चुअली घर पे अभी कोई नहीं था इसीलिए आप आया, और विजय अंकल ने कहा ना, हार ना मानना जीत की तरफ पहला स्टेप है, तो बस
मेरी कोशिश जारी रहेगी। वैसे हमारे सोवन कॉर्नर में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जाऊं मैं? जाओ। मुझे पता है तुम सुबह क्या कर रहे थे। मेरे फेस से बाल हटा रहे थे ताकि मेरी नींद ना खुले। तुम्हें ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं, ना सफाई देने की। मुझे भरोसा है तुम पे। और एक बात जो उस दिन के बाद फिर कभी नहीं कही, आई लव यू वेरी मच श्रवण। I love you too, Sumo. क्या कर रहा है? कुछ भी तो नहीं पापा, वो बस एक दोस्त से बात कर रहा था। तो फिर ऐसे बंदरों की तरह उछल क्यों रहा है? सॉरी भाई साहब, आपको मेरी वजह से कोर्ट तक आना पड़ा। वो एक होते कितनी बार बोलेगा हा? ठीक है श्रवण, तेरी मम्मी कहाँ है? प्लीज छत पे आओ ना। सुमन, सुमन। जी पापा। ऐसा क्या कर रही हो तुम फोन में? दो बार आवाज दी मैंने, तुमने सुना भी नहीं। वो मेरी एक फ्रेंड से इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही तो बस उसी की हेल्प कर रही हूँ। फोरन आओ। अरे श्रवण, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ भाई, मेरी बात सुन। क्या क्या हो गया इस लड़के को? खोया खोया घूमता रहता है आजकल। बेटा मेरे रूम से जरा डायरी ला के देना मेरी। क्या हो गया इसे? आजकल खोई खोई सी रहती है। पता है पहले तो मैं डर गया था ये सोच के कि पता नहीं तुमने क्या समझ लिया होगा, पर ये पढ़ के अब मैं बहुत खुश हूँ यार। पर मैं तुमसे ज्यादा खुश नहीं हूँ। क्यों? वो क्लास के बाद मैंने तुम्हें कुछ दिया जो मुझे वापस नहीं मिला। अच्छा जी, तो जरा ये पकड़ के दिखाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.